चलिए आंध्र से हम मलेशिया, मलेशिया से अब अरुणाचल पहुंच गए और मुझे बताया गया है कि इसी प्रकार का कोई और एक सवाल भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मेरा नाम विनीता गर्ग है और मैं SRDAV पब्लिक स्कूल में 25 वर्ष से कार्यरत हूँ। मेरा प्रश्न है, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें कई स्टूडेंट्स को डर का सामना करना पड़ता है, इस वजह से वह इनसे बचते हैं। इसके बारे में इतिहास या गणित जैसे विषयों के शिक्षक अच्छी तरह से समझ सकते हैं। टीचर के तौर पर इस स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये कुछ अलग प्रकार का ही विषय मेरे सामने आया। मैं कोशिश करूंगा कि स्टूडेंट्स के मन को छू सकूं और टीचर्स की बात पर गौर के साथ कुछ समाधान बता सकूं। आप दोनों ने किसी खास सब्जेक्ट या चैप्टर से डर की बात कही है। आप लोग अकेले नहीं हैं जिनको इस स्थिति का सामना करना पड़ता है। हकीकत तो यह है कि दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जिसके ऊपर ये बात लागू न होती। मान लीजिए आपके पास बहुत ही बढ़िया 5-6 शर्ट है, लेकिन आपने देखा होगा एक या दो शर्ट आपको इतने पसंद आते होंगे, बार बार पहनते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब बेकार हैं, फिटिंग ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है। उन दो इतने अच्छे लगते हैं कि आप उसको बार बार पहनते हैं। कई बार तो माँ बाप भी इन चीजों के लिए गुस्सा करते हैं कि कितनी बार इसको पहनोगे, अभी दो दिन पहले तो पहना था। पसंद नापसंद मनुष्य का स्वभाव है और कभी कभी पसंद के साथ लगाव भी हो जाता है। और इसमें डर की, दुविधा की क्या बात है कि हमने डरना चाहिए? दरअसल होता क्या है, जब आपको कुछ चीजें ज्यादा अच्छी लगने लगती हैं तो उनके साथ आप बहुत कंफर्ट हो जाते हैं, बहुत कंफर्टेबल लगता है, सहज हो जाते हैं। लेकिन जिन चीजों के साथ आप सहज नहीं होते उनके तनाव में आपकी 80% एनर्जी आप उसी में लगा देते हैं। और इसलिए स्टूडेंट से मैं यही कहूंगा कि आपको अपनी एनर्जी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, सभी विषयों में बराबर बराबर। आपके पास पढ़ाई के लिए 2 घंटे हैं तो उन घंटों में हर सब्जेक्ट को समान भाव से पढ़िए, अपने समय को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करिए। साथियों, आपने देखा होगा टीचर्स, माता पिता हमें सिखाते हैं कि जो सरल है वो पहले करें, ये आम तौर पर ये कहा जाता है। और एग्जाम में तो खास तौर पर बार बार कहा जाता है, जो सरल है उसको पहले करो भाई, जब टाइम बचेगा तब वो कठिन है उसको हाथ लगाना। लेकिन पढ़ाई को लेकर मैं समझता हूं ये सलाह आवश्यक नहीं है और उपयोग भी नहीं है। मैं जरा इन चीज को अलग नजरिए से देखता हूं। मैं कहता हूं जबकि पढ़ाई की बात हो तो कठिन जो है उसको पहले लीजिए, आपका माइंड फ्रेश है, आप खुद फ्रेश हैं, उसको अटेंड करने का प्रयास कीजिए। जब कठिन को अटेंड करेंगे तो सरल तो और भी आसान हो जाएगा। मैं अपना अनुभव बताता हूं, जब मैं मुख्यमंत्री था तो प्रधानमंत्री बना तो मुझे भी बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है, बहुतों से सीखना पड़ता है, चीजों को समझना पड़ता है। तो मैं क्या करता था, जो मुश्किल बातें होती है, जिसके निर्णय थोड़े गंभीर होते हैं, मैं मेरे सुबह जो शुरू करता हूँ तो कठिन चीजों से शुरू करना पसंद करता हूँ।
मुश्किल से मुश्किल चीजें मेरे अफसर मेरे सामने लेकर के आते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि वो मेरा एक अलग मूड होता है, मैं चीज़ों को बिल्कुल तेजी से समझ लेता हूँ, निर्णय करने की दिशा में आगे बढ़ता हूँ। मैंने अपना एक नियम बनाया है, कोशिश की है। और जो सरल चीज़ें हैं, दिन भर की थकान के बाद रात देर हो जाती है, तो चलो भाई अब उनको मैं ज़्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं, क्योंकि गलती होने का कारण नहीं है, तो उन चीज़ों को मैं देर रात तक खींच लेता हूँ। लेकिन सुबह जब उठता हूँ तो फिर कठिन से ही मुकाबला करने के लिए निकल पड़ता हूँ। दोस्तों एक और बात हमें अपने आप से सीखनी चाहिए। आप देखिए जो लोग जीवन में बहुत सफल हैं वो हर विषय में पारंगत नहीं होते, लेकिन किसी एक विषय पर, किसी एक सब्जेक्ट पर उनकी पकड़ जबरदस्त होती है। अब जैसे लता दीदी है, लता मंगेशकर जी की पूरे दुनिया में नाम है, हिंदुस्तान के हर जुबान पे नाम है, लेकिन अगर कोई जाकर के उनको कहे कि आज हमारे क्लास में आइए और ज्योग्राफी पढ़ाइए, हो सकता है वो न भी पढ़ा पाए, पढ़ा भी पाए, मैंने क्या जानता हूं कि वो पढ़ा पाए न पढ़ा पाए, लेकिन लता जी की महारत ज्योग्राफी में शायद न भी हो, लेकिन संगीत की दुनिया में उन्होंने जो किया हुआ है, एक विषय पर जिस प्रकार से अपना जीवन खपा दिया है, आज वो हर एक के लिए प्रेरणा का कारण बन गई है। और इसलिए आपको भले कुछ सब्जेक्ट मुश्किल लगते हो, ये कोई आपके जीवन में कोई कमी नहीं है। आप बस ये ध्यान रखिए कि इस मुश्किल लगने वाले सब्जेक्ट की पढ़ाई से खुद को दूर मत कीजिए, उसे भागिए मत। वहीं टीचर्स के लिए मेरी सलाह ये है, वो विद्यार्थियों से उनको टाइम मैनेजमेंट के संबंध में, उसके तौर तरीके संबंध में, सिलेबस के बाहर जाकर के भी कभी उनसे बातें करें, उनसे चर्चा करें, उनको गाइड करें। विद्यार्थियों को टोकने के बजाय उन्हें गाइड करें। टोकना रोकना उसका प्रभाव मन पे और ज़्यादा नेगेटिव फैलता है, प्रोत्साहित करने से वो कॉन्सेंट्रेटेड ताकत के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ बातें क्लास में सार्वजनिक तौर पर जरूर कहें ताकि सबका प्रबोधन होगा, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जब किसी एक बच्चे को बुला करके चलते चलते थोड़ा सर पे हाथ रख करके बहुत ही प्यार से कहे, बेटे देखो भैया तुम इतने बढ़िया करते हो, जरा देखो इसको जरा थोड़ा ये कर लीजिए, देखिए तुम्हारे में बहुत बड़ी ताकत है, आप देखिए ये बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा। एक काम करिएगा, आपके जीवन में ऐसी कौन सी बातें थी जो कभी आपको बहुत कठिन लगती थी और आज आप उसको बड़ी सहजता से कर पा रहे हैं? ऐसे कुछ कामों की लिस्ट बनाइएगा। जैसे साइकिल चलाना कभी आपको कठिन लगा होगा, लेकिन अब वही काम आप बहुत सरलता से करते लेते होंगे। कभी तैरने की बात आई होगी, बहुत डर लगा होगा, उतरने से भी डर लगा होगा, लेकिन आप अच्छे तरह आज तैरना सीख गए होंगे, मतलब जो कठिन था उसको आपने कन्वर्ट कर दिया। आपके जीवन में ऐसी सैकड़ों चीजें होगी, अगर आप ये याद करके जरा किसी कागज पर लिख लेंगे तो कभी आपको किसी को भी, मुझसे भी कठिन वाला सवाल पूछना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि कभी कोई चीज आपको कठिन लगेगी ही नहीं। मुझ पर भरोसा कीजिए दोस्तों, एक बार करके देखिए।